दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस व तहसील की टीम ने छोटे गाजीपुर स्थित एक पटाखे की गोदाम पर छापेमारी की, जिसके संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि आगामी दीपावली छठ पूजा त्योहारों के सुरक्षा के दृष्टिगत बाजारों में पटाखों की बिक्री हेतु अवैध विस्फोटक पदार्थों के भंडारण की सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए पटाखों के अवैध भंडारण को रोकने हेतु पुलिस और प्रशासन की टीम गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रविवार की देर रात टीम द्वारा सद्दन खां पुत्र बुद्धन खां निवासी मियां बाजार दक्षिणी बनकटी चक रोड थाना कोतवाली के आवास व उसके पुत्र ओसामा खां की नखास स्थित दुकान की चेकिंग की गई। वहां काफी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों का भंडारण होना पाया गया है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, कर सकती हैं उसमें ये डब्बा थोड़ी गलत निकलेगा, हम कोई बात नहीं बोलेंगे। क्यों आपसे कहेंगे उसी हिसाब से सर फिर चलना पड़ेगा नहीं सर उस ग्राम से नहीं वैसे तो फिर तो आगे देखिए हम आगे कि कैसे क्या होगा एक्सपर्ट आते हैं हाई कोर्ट में जो चल रहा है अभी हम ताला हम चल रहा है उनको दे रहे हैं थोड़ा सा डिटेल भैया बता दो ठीक है। अरे वही जो लोकेशन बताया था अरे मेरे से फटाफट तो लो 40 नंबर तो कहे खुल गए तो फिर हारे कल पैदल चलते चलते चुप्पी निकल गए ला भैया ला हूँ रखिए देखिए अब हम मार कर लेंगे इतना बढ़िया संतरा चीज फिर तो बच्चे अब गिनने में काम कर लेगा लिख लेगा लेकिन हमारे पास लेके आएगा पुराना वाला भाई वो तहसील में कल आवेदन किया आपने कर देंगे ना सहित वजन लिखना ठीक है मेन लिख लो ना इसलिए बाद में अलग का बिना नहीं है सूचना हम लोगों को मिले थी कि यहाँ पे बड़े मात्रा में पटाखे का भंडारण हुआ है तो इसमें रात में छापा मारा गया था करीब 1 बजे से जितना इनके पास परमिशन है वही हम चेक कर रहे हैं कि इनके परमिशन से क्या तो अभी तक जितना परमिशन था उतना मिल गया है तो बाकी चीजें हैं वो सब इंस्टॉल कराई जा रही है अच्छा और उसमें जो भी एक्स्ट्रा है उसके ओसामा पटाखा अच्छा ओसामा पटाखा कितने रुपए की ये लागत से बरामद हुई रुपए की बात की जाए लाखों में नहीं जी इसके लिए हम आयुष डिपार्टमेंट से बुला रहे हैं उसका आकलन किया जाएगा पटाखे रखने का लाइसेंस इनके पास है अच्छा और टोटल सारे क्वांटिटी मिला के 15 क्विंटल का इनका परमिशन है अच्छा 15 लेकिन यहाँ पे जब हमको ये लगा है कि कम से कम यहाँ पे 100 क्विंटल के करीब सामान 100 क्विंटल के हैं क्या आगे अभी कार्रवाई जारी रहेगी हाँ जारी रहेगी ये हमें सूचना मिली थी कि अवैध रूप से जो है पटाखा जो रखा जा रहा है जितना अलाउ किया उससे ज़्यादा रखा जा रहा है ऐसी सूचना मिली थी हमें। इसी क्रम में एसडीएम सदर सीओ कैंट सीओ कैंपेरगंज इंस्पेक्टर रामगढ़ताल इंस्पेक्टर बेलीपार इन सबको लेकर के और पुलिस लाइन की फोर्स लेकर के हमने छापेमारी की थी। इसमें एसडीएम सदर भी वहाँ पे थे एएसपी साहब भी मौजूद थे वहाँ पर और अभी उस जो हमें वहाँ पे जो भी मिला था ये मियां बाजार करके क्षेत्र है वहाँ से हमें मिला था उसकी जांच की जा रही है एसडीएम सदर के कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है कि उसे अनुमन्य था या नहीं था। देखिए अभी इसकी जांच कर रहे हैं वो भी इस अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय जाँच चल रही है आज शाम तक जाँच पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो भी कार्रवाई हमें बताई जाएगी एसडीएम कार्यालय के द्वारा वही हम कार्रवाई करेंगे उसके साथ। देखिए सब पर नज़र है हमारी और जो भी हमें सूचना दे रहा है अलग अलग लोग हमें सूचना दे रहे हैं उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हम प्लान कर रहे हैं जैसे भी सूचना मिलेगी वैसे हम तुरंत कार्रवाई इस पर करेंगे।